अस्सलाम वालेकुम, रबिंग कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल में वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस फ्रॉक पे बताऊँगी इनविजिबल प्लेट्स कैसे डालते हैं। तो मैंने एज़ यूजुअल, जैसे हमने 5 इंच तीरा लिया, ये 4 साल की बच्ची का है, 5 इंच तीरा और 5 इंच हमने शोल्डर लिया और उसकी कटिंग कर ली, और 2 से 2.25 इंच मैंने गला रखा और 3 इंच उसकी 2.5 इंच फ्रंट और बैक की कटिंग एक जैसी कर दी। यहाँ पे मुझे जो चेस्ट फिटिंग चाहिए थी मुझे 14 इंच चाहिए थी, और लिहाजा मैंने 9 इंच की भी पेटी ली है जिसकी चौड़ाई थी 8 इंच और लंबाई 9 इंच थी। उसकी मैंने एस्टिस कटिंग कर दी है। ये मेरे पास 2 फोल्डेड कपड़ा है, सॉरी चौड़ाई है इसकी मेरे पास 28 इंच और लंबाई है इसकी मेरे पास 15 इंच। तो मुझे जो तैयार चाहिए वो 23 इंच चाहिए, तो 9 और 15 जब कटिंग हो स्टिचिंग होकर 23 इंच तक हो जाएगा। इनविजिबल प्लेट्स डालने के लिए हमने क्या करना है, 1 या 1.5 इंच के फासले पे हमने एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। ये हमने मार्किंग कर लिया, और मार्किंग आपने बैक साइड पे करनी है, फ्रंट पे नहीं करनी। अब ये देखिए मैंने क्रॉस लगाया है। अच्छा, फ्रंट फर्स्ट और लास्ट वाली प्लेट को हमने कुछ नहीं करना, उसे हमने एज इट इज़ छोड़ देना है। फिर हमने क्या करना है, 3 प्लेट्स लेनी है, उसके दरमियान पर हमने ये क्रॉस लगाना है। 3 प्लेट्स लेनी है, नेक्स्ट 3 लेनी है, हमने उसके दरमियान में क्रॉस लगाना है, नेक्स्ट 3 दरमियान में क्रॉस, नेक्स्ट 3 क्रॉस। ये देखें क्रॉसिंग का प्रोसेस जारी है। अब हमने क्या करना है, जिस लाइन पे हमने क्रॉस लगाया ना उसको हमने 5-5 इंच तक लाइन लगानी है। ये देखें मैंने जहाँ क्रॉस किया था उसको 5 इंच तक लाइन लगा के और उसको स्ट्रेट भी करती गई हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने लास्ट लाइन कैसे करनी है। फ्रंट एंड बैक पर हमने ऐसे ही प्लेट डाल लेनी है। फिर अब हम सबसे पहले प्लेट्स को इसी तरह पकड़ेंगे, इस सेंटर से पकड़ेंगे, इसको हम एज इट इज़ पकड़ेंगे इसको, और दोनों तरफ एक तरफ सिलाई लगाएंगे तो दोनों तरफ सिलाई आ जाएगी। ठीक है, मैं सिलाई लगाते हुए आपको दिखाऊंगी। ये लेट्स स्टार्ट वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट स्टिचिंग। ये देखें जी, ये मैंने इनविजिबल प्लेट्स लगा ली हैं यहाँ पर। अब इसको प्लेट्स को क्या करना है कि ऐसे आपने ओपन करना है बैक साइड को ही, और ओपन करके ऐसे इसके साथ तय बिठा देनी है। ये देखें इसको ऐसे ओपन किया, दोनों साइड से ओपन करना है, और इस तरह मिड इसका कर लेना है ऐसे। ये हो गया इसका मिड, यूँ बैक साइड पे इसकी आप प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये लोन है तो ये इजीली इस तरह सारे बैठ जाएंगे। ये देखें ये इसका मिड हुआ, और यहाँ पे इसको ऐसे करके ये सारा नीचे तक प्लेट को बिठा देना है, तो ये प्लेट इस तरह ओपन हो जाएगी। और इनको सबको ओपन करके अब मैं क्या करूँगी आपको इसकी फ्रंट की लुक दिखाती हूँ। इसकी बैक की लुक है तो मैं इसकी फ्रंट की लुक दिखाती हूँ। ये है जी इसकी फाइनल लुक फ्रंट की, इस तरह आएगी, ये प्लेट्स यूँ बैठ जाएंगी। अब मैं इसको पेटीकोट के साथ जोड़ के, बाजू वगैरह लगा के, दामन बना के फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें ये बैक से इस तरह ओपन हो गया, और ये फ्रंट से इस तरह है। ये देखें, ठीक है, मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको पूरा प्रॉपर रेडी करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, बाजू लगा के और पेटीकोट के साथ इसको ज्वाइन करके। और अब मैं नीचे दामन बनाऊँगी, तो दामन को भी ऐसे डबल फोल्ड करूँगी कि रेड कलर के